हमारा फोकस करना और लगातार मूव ऑन करना, आगे बढ़ना इतना भी इजी नहीं होता जितना हम सोचते हैं। किसी की बातें लगातार चुभ रही होती है, हमारे दोस्त हमें छोड़ रहे होते हैं या किसी स्ट्रेंजर की तरह बिहेव करते हैं। घर वालों से इस उम्र में वैसे भी इतनी बात नहीं हो पाती और हम बहुत अकेला महसूस करने लगते हैं। अब ऐसे में खुद को खुश करना बहुत मुश्किल हो जाता है, पर इन्हीं सिचुएशन में हमें कुछ बातें एक्सेप्ट करनी होती है, क्योंकि जाहिर है हम हाथ पर हाथ रख कर तो नहीं बैठ सकते ना, हमें कुछ तो उम्मीद रख के आगे बढ़ना ही पड़ेगा। तो कुछ बातें हैं जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। जब भी आप अकेला फील करो, जब भी बहुत टूटा हुआ महसूस करो, तो इन बातों को सुनना, इनसे आपको वाकई काफी हिम्मत मिलेगी। सबसे पहले इस बात को जरूर एक्सेप्ट करना होगा कि जो भी हम इस दुनिया को देंगे वो लौट कर हमारे पास जरूर आएगा। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि किसी ने किसी को बहुत हर्ट किया और वो हर्ट करने वाला पूरी जिंदगी खुश है। हाँ, मैंने ये जरूर देखा है कि जो भी किसी के साथ बुरा करता है वो कुछ टाइम बहुत खुश रहता है कि जैसे उसे कुछ नहीं होगा, उसके पास पैसा है, यार दोस्त है, सब कुछ बढ़िया है, मगर वक्त तो बदलता रहता है। पैसा होने के बावजूद भी कोई काया नहीं खरीद सकता, यार दोस्त होने के बावजूद भी कोई उनसे रियल प्यार नहीं खरीद सकता। क्या पता कब कौन कहां पर बदल जाए। तो आप जब भी कहीं से हर्ट हुए हो और आपको ये लग रहा है कि सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बल्कि वो तो और ज्यादा सुकून में रह रहा है, तो याद रखो वक्त बदलेगा और जरूर बदलेगा। इसके बाद जब आप खुद को बदलते हो तो आपकी लाइफ में बदलाव होना खुद ही शुरू हो जाता है। अब जैसे कोई लड़की 80s 90s का फैशन फॉलो करती थी, डेली ऐसे ही बने रहना, नॉर्मल दिखना, बट सडनली लड़की ने खुद को बदलने का प्लान किया। 2-3 महीने लगे और धीरे धीरे ड्रेसिंग सेंस चेंज होने लगी, लोगों के हाव भाव बदले और इससे बातें करना सबने स्टार्ट कर दिया, लड़की को अटेंशन मिलने लगी। तो इससे क्या दिखा कि उसने खुद को बदला और यहाँ से लाइफ अपने आप बदल गई। मतलब आप अपने अंदर कुछ बदलाव करोगे तो भाई उससे आपकी लाइफ पर भी इफेक्ट पड़ता है, ये बात आपको माननी चाहिए। इसके बाद एक्सेप्ट करो कि आपका बिहेव आपके एक्शन से कनेक्ट होना चाहिए। हम यार जब बहुत ज्यादा हर्ट होते हैं तो बहुत सारे फैसले लेने लगते हैं कि भाड़ में जाइए लोग, मैं अब खुद से मतलब रखूंगा, खुद की लाइफ में ध्यान दूंगा और आगे बढ़ूंगा, पर हम वक्त के साथ कमजोर पड़ने लगते हैं, जबकि आपको अपने एक्शन को मजबूत करना चाहिए। याद रखो कुछ चीजों को बदलने में टाइम लग जाता है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वो बदलेगी नहीं, सब हो जाएगा। बस अगर आपका बिहेव चेंज नहीं हुआ तो अब आज आप कुछ और फैसला ले रहे हो और कल कुछ और कर रहे हो, तो ना तो आपकी बात आपके एक्शन से मैच होगी और ना ही आप खुद के साथ लॉयल रह पाएंगे। इसके बाद जिद होनी जरूरी होती है कुछ चीजों में। जिद और हटपन हमारी मदद करती है अपनी ही बात पर अड़े रहने में। अब ये भी सही जगह ही करोगे तो बेहतर होगा। कहीं आप ऐसी जगह करो जहाँ कोई बंदा आपके साथ रहने में 1% भी इंटरेस्टेड नहीं है, मगर आपने जिद कर ली कि भाई मुझे तो इसी के साथ रहना है, तो याद रखो खुद का ही नुकसान होगा। जिद करो वहां जहां सिर्फ आप इन्वॉल्व हो, जहां पर आपका फैसला किसी दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है, जहां आपको ये क्लियर होता है कि क्या करना है और कैसे, अब वो कब तक करना है, उसी चीज की जिद करनी ठीक रहती है। यह आपकी मदद करती है कि भाई इतने दिन तक तो अपन इस चीज को जरूर करेंगे, यानी कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। इसके बाद इस बात को एक्सेप्ट करो कि हमारा बीता हुआ कल खुद को लगातार रिपीट करता रहता है जब तक हम उससे कुछ सीख नहीं लेते। जब तक आप कुछ सीखोगे नहीं तो अकल नहीं आएगी, और अकल नहीं आएगी तो हिस्ट्री खुद को रिपीट करती रहती है। अगर आपको लगातार कोई बात चुभ रही है तो उससे ये देखो कि मुझे इससे क्या सीखना चाहिए, क्यों मैं परेशान हूँ, क्यों मुझे मूव ऑन करने में प्रॉब्लम आ रही है। इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं उसमें फंसे हुए हो, कहीं ना कहीं कुछ चीज है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। बस यहीं पर थोड़ा ध्यान लगाने से आपको पता चल जाएगा कि मुझे क्या चीज सीखने और बदलने की जरूरत है। इसके बाद इस बात को एक्सेप्ट करो कि लाइफ अपने आप नहीं बदलती, इसे बदलना पड़ता है। मतलब इसे ठीक से समझाता हूँ। देखो, या तो आप वक्त के साथ कुछ कर लो, या अगर आपको ये लग रहा है कि लाइफ में तो सब अपने आप होगा, तो वक्त खुद डिसाइड कर लेगा कि आपका क्या करना है और क्या नहीं। यानी सिंपल है, रुकने वाली चीज तो जिंदगी है नहीं, या तो बिखर जाएगी या संवर जाएगी। अब आपको किसी ने कोई गार्डन दिया तो यह आपके ऊपर है कि उसे हरा भरा रखते हो या ये सोच लेते हो कि वक्त के साथ अपने आप इसका जो होगा हो जाएगा। तो जैसे वो गार्डन है, या तो वो आपके हाथों के हिसाब से चलेगा, या फिर अगर अपने आप बनने पर आया तो उसकी घासें अपने आप बड़ी हो जाएगी और अलग अलग कीड़े उसमें घूमने लगेंगे। फूल होंगे या नहीं पता नहीं, पर पेड़ तो अलग अलग उग जाएंगे। यानी सवार कर अगर रखना है तो आप रख सकते हो, वरना तो अपने आप उसका कुछ ना कुछ हो जाएगा। ऐसे ही लाइफ है, अगर आप अपने हिसाब से सब ठीक रखोगे तो गार्डन बहुत सुंदर लगेगा, आप घूम फिर सकोगे, पर अगर ऐसे ही छोड़ दिया तो उस पर निगाह भी नहीं टिकेगी, वो ऐसा हो जाएगा। इसलिए कुछ ना कुछ लाइफ में करते रहो, कहीं ना कहीं हाथ पैर चलाओगे तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ अपने आप हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, आपको इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो में कोई भी बात आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करो और कमेंट्स में मुझे जरूर बताओ कि आप खुद में ऐसी क्या चीज बदलना चाहते हो, जो आपको लगता है कि यार मुझे खुद में ये चीज बदलनी चाहिए।
इसके साथ ही कोई सवाल हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करो, इंस्टाग्राम पर हम बात भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो प्लीज क्लिक करो और कनेक्ट हो जाओ। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।